बीमार पड़ोगे अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओ, पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पट्टी जी को दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ, आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो दाना देना पड़ता है कि नहीं? जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के, बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। सब चीज हमारे एजेंडे में नहीं है, हम अयोध्या मेरे दिल में है और हम भगवान मेरे दिल में है और हम गरीब को भगवान मानते हैं, जनता को भगवान मानते हैं और किसी को भगवान नहीं मानते। ये स्पष्ट है ना कि आपको चोट लगेगी तो आप कहाँ जाओगे? दिल्ली अस्पताल। आपको पढ़ाई करनी होगी, कलेक्टर एसपी बनना होगा, कप्तान बनना होगा, एमएलए एमपी विधायक बनना होगा, होशियारी लानी होगी, आप मंदिर जाओगे कि स्कूल जाओगे? अंधविश्वास, वहाँ मंदिर के जगह विद्यालय बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, फैक्ट्री बनना चाहिए, उससे देश का विकास होगा, न कि मंदिर से विकास होगा। अरे 76 में सुप्रीम कोर्ट जब कह दिया कि ये मतलब काल्पनिक है, राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। वो रामलला की मूर्ति जिस पर की सारा झगड़ा हुआ वो कहाँ? मंदिर आता है, राम जी आगे हो जाते हैं और फिर चुनौवा खत्म हो जाता था, राम जी को पूछ बंद हो जाता है, फिर राम जी कहीं भी जाएं, वो जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिखा। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है, वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, वो तो कोई भी बना सकता था। We have a problem with unemployment, inflation, education, health. No one talks about these things. But everyone talks about Ram, Hanuman, Mandir. And I have said that temples are not going to create jobs. तुम लोग ये याद रखो कि भगवान राम जो हैं वो भी अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए हैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। वृंदावन में भी कई लोग जय राम जी की बोलते हैं लेकिन अयोध्या में कोई राधे राधे कृष्ण करके नहीं बोलता। पूरे देश को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि राम मंदिर आपने बनाया है, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, राम मंदिर देश के तमाम लोगों का, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगता है कि उस पे अपना कब्जा जमाना चाहती है।